welcome back to my channel. This is Shivangi, and in today's video I want to share a look which you can create on Raksha Bandhan. So especially जो video है वो Raksha Bandhan look के लिए ही है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मैंने ये लुक जो क्रिएट किया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. तो ये लुक मैंने जो क्रिएट किया है वो मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट के साथ में किया है, क्योंकि जो फेस्टिवल है वो दिन का होता है, दिन का है रक्षाबंधन. तो जब अगर हम दिन में बहुत सारा मेकअप वेयर करते हैं तो दूर से ही वो लगता है कि हमने बहुत सारी लेयर लगा रखी है. तो मैंने ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है. तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको बस एक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट हल्का सा आई शेडो और काजल एंड मश्कारा लिपस्टिक की ज़रूरत है, ठीक है. इससे ज़्यादा आपको दिन में मेकअप करेंगे अगर हम लोग करते हैं तो फेस पे बहुत ज़्यादा दूर से दिखता है, ठीक है. और ये जो मेकअप है इजीली हो रहा है और ऊपर से लॉन्ग लास्टिंग में है, क्योंकि आप प्रोडक्ट अगर अच्छे यूज़ करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है. बाकी थोड़ा समर का टाइम चल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप वेयर करने की जगह आप ऐसा मेकअप वेयर करें कि जो बहुत हल्का भी हो, लाइट वेटेड हो आपके फेस पे और जो अच्छा भी लगे, ठीक है. सो आई क्रिएटेड दिस लुक विद मिनिमल प्रोडक्ट. नाउ यू कैन सी सिंपल मैंने इसमें ईयरिंग्स पहने हुए हैं, ठीक है. एक बिंदी यूज़ की है, लिपस्टिक है, वो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी मैंने क्या क्या यूज़ किया है. मैंने ये ब्लू कलर की कुर्ती पहनी, जिसको मैं ऑरेंज कलर के प्लाजो पे पहनने वाली हूँ फेस्टिवल के लिए. बहुत ज़्यादा ईजी है, समर के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की जगह बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी गर्मी से रहती है, चिप 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 चिप. अगर आप कम से कम मेकअप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी आराम से सांस लेती रहेगी, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे स्किन के लिए हार्म भी ना पहुँचे, हमारा लुक भी क्रिएट हो जाए. सो मैंने अपने बालों को भी खोल के रखा हुआ है. अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता तो आप अपने बाल को हल्का सा पीछे ले जाके इस टाइप से क्लच भी कर सकते हैं, ठीक है. क्लच करने के बाद में इस टाइप से थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक क्लचर यूज़ कर रही हूँ, या नाउ यू कैन सी. तो आप इससे क्या होगा कि आप हाफ भी क्लच कर सकते हैं, कि ज़्यादा चाहते हो तो आप अपने बालों को ऊपर भी क्लच कर सकते हैं. अगर आपके बाल मेरे बराबर है, मीडियम बाल हैं तो, मतलब मीडियम लेंथ है आपकी, तो आप ये जो लुक है बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बाल ऐसे टाई कर लेने किसी भी अच्छे क्लिप या क्लचर से, जैसे कि बाल बीच में आके आपको परेशान ना करें, ठीक है. So first of all, I am using this gel as a primer, which is very much important step to start a makeup look. ठीक है, मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी, ये primer की तरह मेरे लिए काम करेगा. And I will suggest you have to use a good gel as a primer. और अगर आपके पास primer है तो आप primer use कर सकते हो. जो सेकेंड स्टेप है वो है फाउंडेशन. मैं यहाँ मेबलिन का फिट में फाउंडेशन यूज़ करूँगी. मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको बिकॉज़ ये स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और मैं इसे इस टाइप से ड्रॉप की तरह डॉट 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 लगा लूँगी, ठीक है. बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है स्किन पे, पता नहीं लगता है कि आपने फाउंडेशन करा और मॉर्निंग के मतलब डे के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये. सो गो फॉर इट गाइज. उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपको नहीं लगाना है क्योंकि बात है दिन की, ठीक है. तो दिन में क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आप यूज़ करोगे तो क्या रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा फेस पे वाइट वाइट दिखाई देगा, ठीक है. इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. अपर आईलिड पे भी ब्लेंड करूँगी मैं. ये वाला एरिया मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि पता चला आपका नेक और ईयर दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है. तो मैंने अभी ये पूरा फाउंडेशन अपना अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है. सेकंड जो स्टेप है वो है कॉम्पैक्ट, ठीक है. कोई भी अच्छी क्वालिटी का कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर लीजिए. मैं लैक्मे सन
एक्सपर्ट यूज़ करती हूँ, इसमें SPF 40 है, ठीक है। जो डे टाइम मेकअप होता है उसके उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करा है यूज़। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि तो मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट रखिए, कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करिए, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मत लगाइए, दिन में कंसीलर वगैरह की ज़रूरत, अगर आपके पे पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा या फिर आपके ब्लेमिशेस हैं तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे फेस पे कुछ ऐसा अब दिख नहीं रहा, तो मैंने ये स्टेप को भी स्किप कर दिया, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो मैं सिर्फ इसके बाद जो मेरा रहेगा, क्योंकि डे का मेकअप है तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट रखूँगी, तो मेरा इसके बाद रहेगा काजल, मस्कारा, आई शेडो, ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ यूज़ नहीं करूँगी। सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो को वो करूँगी, शेड दूँगी। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ यहाँ 24K न्यूड मेबलिन न्यूयॉर्क का ये पैलेट। इसमें से मैं अपना फर्स्ट मेरा जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड जो मैं यूज़ करूँगी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लाइट यूज़ किया है, कैमरे में थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो फिर डे के हिसाब से आप इसको थोड़ा लाइट ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अगर आई शेडो दिखता है तो फिर द रिज़ल्ट इज़ दिस। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैंने बहुत ज़्यादा शेड भी यूज़ नहीं किया, मैंने बस दो ही शेड यूज़ किए हैं। नाउ आई एम यूजिंग दिस काजल, ये ब्लू हेवन का काजल है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। अपर आईलिड पे भी मैं काजल लगाऊंगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी, सेम इस मार्क में भी मैं अपर आईलिड पे काजल लगाऊंगी। Now you can see, ठीक है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो है मस्कारा। मैं ये मेबलिन का द हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करूँगी, ठीक है, जो इस टाइप के टेक्सचर में आएगा। वन सेकेंड, यूजिंग माय मिरर।
ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं अभी। Now you can see the final result. मेकअप पूरा सेट हो गया है। मैं इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो मैं है ये है लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, एलेटीन की है। ये इसका जो शेड है W12, ठीक है, दिस द रियल शेड, सो आई एम यूजिंग दिस। दिस द फाइनल लुक। मैं जो हूँ वो हूँ बिंदी पर्सन हूँ, सो हियर आई एम यूजिंग दिस बिंदी। सो मैं बस अपने पूरे हेयर स्टाइल बना के आती। सो दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक विच यू कैन सी। आई वोर दिस पेयर ऑफ इयर रिंग जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, एंड मेकअप बहुत ज़्यादा लाइटेड है। मैंने अपने बालों को बस लूजली पीछे क्लच किया हुआ है बनाना क्लिप से। सो ये मेकअप आप भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यूजली मैं एक बिंदी लवर हूँ तो मैं बिंदी पहन रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आता है बिंदी पहनना या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये मेकअप लुक है बहुत ईजी स्टेप्स में है और बहुत ज़्यादा ईजिली कोई भी कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफेशनल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग ये कि डे के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करना है, आपको अपने ये आई शेडो भी बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। लिपस्टिक भी अगर आप आई शेडो लाइट रखें तो लिपस्टिक आप थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो मेकअप लुक है वो मैरिड या अनमैरिड या टीनेजर कोई भी ईजिली लुक कर वेयर कर सकता है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके अलावा बेल आइकन भी हिट कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है। ये आपको खुद अपना मेकअप करने में कैसा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।